देवास ज़िले के कुछ गांव हैं जहां पे ऐसे समूहों का निवास है जो हाईवे पे चोरी और कटिंग की घटनाएं करते हैं, उनके विरुद्ध देवास पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन प्रहार हमारा चल रहा है, उसी के तारतम्य में आज तड़के अर्ली मॉर्निंग की कार्रवाई हुई है, जिसमें धतुलिया चिड़ावत के पास पुलिस की टीम गई थी। इस टीम का नेतृत्व एडिशनल एसपी हरिनारायण बाथम जी ने किया और साथ में डीएसपी साहब और छह थाने के डीआई साहब भी थे। करीब 125 के लगभग फोर्स था। उसकी घेराबंदी में पुलिस को सफलता मिली है। इसमें करीब 8 के लगभग व्यक्ति पकड़े गए हैं, जिसमें से कुछ लोगों के दीगर राज्यों में वारंट हैं, अन्य लोगों की भी तस्दीक की जा रही है। कच्ची शराब, अवैध शराब के संबंध में भी जानकारियाँ मिली हैं, तो इस पर पुलिस काम कर रही है। साथ ही साथ 10 के लगभग टू व्हीलर मिले हैं, जिनके दस्तावेज अभी स्पष्ट नहीं हो पाए। वहाँ पर एक फोर व्हीलर भी मिली है, उसके भी दस्तावेज तलाश किए जा रहे हैं। ओवरऑल हमारी ये पूरी जो दबिश थी वो काफ़ी सक्सेसफुल रही। वहाँ टारगेटेड एक गांव को, एक डेरे को रखा गया था और इसमें जो जानकारियाँ मिली हैं, लोग मिले हैं, उस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, ऑपरेशन प्रहार के तहत जिस तरह से लगातार कार्रवाई की जा रही है, आगे भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जा रही है? बिल्कुल, अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए देवास पुलिस तत्पर है और काफ़ी सख्त है, तो इसी तारतम्य में ऑपरेशन प्रहार हमारा आगे भी जारी रहेगा और हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारे ज़िले में या अन्य जगह भी यहाँ के रहने वाले लोग घटनाएँ न किया करें। अगर कोई किया है तो उसको पकड़ के आगे की कार्रवाई की जाए।